आज मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट चैनल के बारे में बताने वाला हूं जो 2024 में तहलका मचा देगा। आप एक नया चैनल बनाकर सिर्फ 10 से 15 वीडियो अपलोड करके सिर्फ 5 दिन में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके अपने चैनल को मोनिटाइज कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो बनाना इतना ज्यादा आसान है, आप 1 मिनट से भी कम समय में 20 से भी ज्यादा वीडियो बना सकते हैं। आप एक क्लिक करेंगे और आपके चैनल पे 20 नया वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको ना वीडियो बनाने की जरूरत है, ना आपको एडिटिंग करने की जरूरत है, ना वीडियो में आपको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है, ना आवाज डालने की जरूरत है, ना दूसरे के वीडियो को कॉपी करने की जरूरत है। और इस तरह का चैनल इतना तेजी से ग्रो कर रहा है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। मैंने सिर्फ देखने के लिए एक नया चैनल बनाकर 4 वीडियो अपलोड किया था और सिर्फ 4 वीडियो से मेरे चैनल पर 14,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया और हर एक वीडियो पे मिलियन में व्यूज है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह का चैनल कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। और यहां पर आपको वीडियो बनाने में भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक क्लिक करेंगे आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा, उससे सीधा बस आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप वीडियो बनाएंगे, कैसे आपको वीडियो को अपलोड करना है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब को ओपन करना और आपको इंटरव्यू टाइप वाले वीडियो को सर्च करना है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो को देखा होगा जिसमें यूट्यूबर बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते हैं, सिंगर का इंटरव्यू लेते हैं या एक बड़े यूट्यूबर का इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको इंटरव्यू टाइप वाले वीडियो को सर्च करना है, या फिर ऊपर आप पॉडकास्ट लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू टाइप के वीडियो आ जाएंगे। बस आपको ऐसे ही वीडियो की जरूरत है। अब जैसे कि यहां पर आप देखेंगे मेरे पास एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें किसी ने अमित भड़ाना का इंटरव्यू लिया है, आप देख सकते 1 घंटे का वीडियो है। तो बस आपको ऐसे ही किसी एक वीडियो का सर्च कर लेना है, इंटरव्यू टाइप का कोई भी वीडियो, बस आपको ऐसे वीडियो को निकालना है, ऐसे वीडियो को सर्च करना है। अब सिंपली यहां पर आपको उस वीडियो का लिंक को कॉपी कर लेना है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे ये अमित भड़ाना वाला वीडियो मुझे अच्छा लग रहा है तो यहां पर मैं इसके लिंक को कॉपी कर लूंगा। सिंपली नीचे जो 3 बिंदी इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको वीडियो का लिंक को कॉपी कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको जो भी वीडियो पसंद आता है इस तरह का कोई भी एक पॉडकास्ट वाला मतलब इंटरव्यू टाइप वाले वीडियो का लिंक को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको डाउनलोड करना है, ना एडिटिंग करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल आप गूगल को ओपन कीजिए और यहां पर आपको सर्च करना है bizert.ai। कैसे लिखना है यहां पर मैंने लिख दिया। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा। अब सबसे पहले कोने में आप देखेंगे तो साइन अप का एक ऑप्शन, आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और साइन अप भी तो गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो यहां पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो अपलोड फ्रॉम लिंक का एक ऑप्शन है, बस आपको अपलोड फ्रॉम लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप नीचे देखेंगे तो अपलोड फ्रॉम लिंक के नीचे एक लिंक डालने का ऑप्शन है, यहां पर आपने जो अभी लिंक कॉपी किया था लिंक को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद उसके सामने जो कंटिन्यू का ऑप्शन है आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहां पर कई ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपको 10 से 15 सेकंड का इंतजार करना है और अभी आपने जो बड़े वाले वीडियो का लिंक डाला है उस वीडियो से अलग अलग शॉर्ट वीडियो बनकर आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ 7 से 8 सेकंड का इंतजार करने के बाद यहां पर हमारे पास 13 शॉर्ट वीडियो बनकर आ चुका है। अब आप एक एक वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और आपको जो भी वीडियो पसंद आता है उसे आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये वीडियो को ऑटोमेटिक कैप्शन भी जनरेट कर देता है, मतलब वीडियो में जो लोग बोल रहे हैं क्या चीज बोल रहे हैं ये हिंदी में लिख देता है। जैसे कि वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो पीले कलर में लिखकर भी आ रहा है, ये पहले से लिखा हुआ नहीं था, ये वेबसाइट खुद लिखता है, ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट कर देता है। तो यहां पर आपको जो भी वीडियो पसंद आता है उस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसा आप मत सोचिएगा कि इस वेबसाइट ने कहीं से कहीं का क्लिप काट दिया, कहीं से कहीं का क्लिप काट दिया। भाई ये AI वेबसाइट है, ये इस तरीके से क्लिप को काटता है, एक पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा है उसका एक शॉर्ट वीडियो बन गया, दूसरा पॉइंट जहां से चालू हो रहा है जहां पर खत्म हो उसका दूसरा शॉर्ट वीडियो बन गया। इस तरीके से ये पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दे देता है। जैसे कि 13 शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आ गया। अब जो भी आप शॉर्ट वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं आप एक एक करके एक को डाउनलोड कीजिए या एक एक करके आप 13 शॉर्ट वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा जिसे आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया, अब ये मेरे अकाउंट में पहुंच गया। अब अकाउंट में देखने के लिए
कुंड में अकाउंट पर क्लिक कीजिए, वर्क स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फिर आप स्लाइड करके इधर आएंगे तो यहां पर एक एक्सपोर्टेड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया होगा सब वीडियो यहां पर मिल जाएगा। डाउनलोड अगर आपको करना है तो वीडियो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहां पर आप वीडियो को क्लिक करके देख भी सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो बगल में देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है। अब एक बार मैं आपको गैलरी में भी दिखा देता हूं, देख सकते हैं वीडियो यहां पर आ चुका है। अब यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि वीडियो में एक वाटरमार्क आ जाता है, तो वाटरमार्क को भी आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना होगा, एडिटिंग के लिए आप BN Vita, CapCut, KineMaster किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं इंसर्ट एप्लीकेशन का यूज करूं, इंसर्ट को मैंने ओपन किया, जो हमने वीडियो डाउनलोड किया उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ऊपर आप देखोगे तो एक यहां पे वाटरमार्क है मेड बाय vizrt.ai लिखा है, इसे हमें हटाना है। हटाने के लिए वहां पर आप स्टिकर डाल दीजिए, या स्टिकर नहीं डालना चाहते प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो वहां पर आप अपने चैनल का नाम डाल दीजिए। जैसे कि यहां पर देखिए मैंने मेड बाय ग्रोइंग विद राहुल लिख दिया, मतलब कि इस वीडियो को ग्रोइंग विद राहुल के द्वारा बनाया गया है। तो यहां पर मैंने जो वाटरमार्क था, जो वेबसाइट का नाम था, वहां पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है। बस आप वीडियो को इस तरीके से सेव कर लीजिए और अपने चैनल पे आपको अपलोड कर देना। यहां पर आप देखिए पहले वाला वीडियो कैसा था, अभी का वीडियो कैसा है, मैंने वाटरमार्क को भी हाइड कर दिया। तो इस तरह से आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी आवाज डाले, बिना कोई अपना चेहरा दिखाए आप जबरदस्त वीडियो तैयार कर सकते हैं। और इस तरह का पॉडकास्ट वाला वीडियो इतना तेजी से वायरल होता है, इतना तेजी से आपका चैनल ग्रो करेगा, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि आपके वीडियो पर रियूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये यूनिक वीडियो है, आपने सेम टू सेम वीडियो को कॉपी नहीं किया, आपने बड़े से वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो निकाला है, तो कोई भी रियूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कैप्शन भी जनरेट होता है, तो आपके वीडियो को ऑटोमेटिक डिफरेंट बना देता है। और जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो आप अपने चैनल को भी मोनिटाइज कर पाएंगे। बाकी अगर आपके मन में और कोई सवाल है, और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है और मैं आपके कमेंट का जवाब भी देता हूं। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस तरह का वीडियो मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।